सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टैग अब को, बगल वाली बेल आइकन करिए और प्रेस लग, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊँ कि आप गाड़ी के नंबर से गाड़ी के जो ओनर है उनकी डिटेल कैसे निकाल सकते हो, चाहे वो फोर व्हीलर गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, या फिर कोई भी मतलब गाड़ी हो, उसके आप डिटेल कैसे निकाल सकते हो और क्या उसका अभी वर्तमान प्राइस चल रहा है और क्या मतलब उस गाड़ी पे आज तक चालान हुए हैं या फिर नहीं हुए, आप उसकी डिटेल कैसे निकाल सकते हो, तो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ कि आपको गाड़ी का नंबर मतलब जो भी गाड़ी का ओनर का नाम पता जानना है वो उस गाड़ी का नंबर आपको लेना पड़ेगा, उस गाड़ी के ओनर का नंबर। ठीक है, आप सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर। ठीक है, बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक एप्लीकेशन मतलब बताने वाला हूँ जेन्युइन है, आराम से वहाँ वहाँ पर ओनर की डिटेल्स, चालान वगैरह, प्राइस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने प्ले स्टोर पर आ गया और मैं यहाँ पर सर्च करूँगा व्हीकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यही आपको सेम टू सेम यहाँ पर करना है सर्च। मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ व्हीकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे लिख कर दूंगा सर्च। मेरा अभी ये लोडिंग हो रही है, मेरी अभी ये लोडिंग हो रही है कंप्लीट। तो मैं आपको बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना। RTO व्हीकल इंफॉर्मेशन जो छठे नंबर पे आ रहा है, पांचवें छठे पे, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा दूँगा, कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा इसका, थोड़ी ये लोडिंग लेगा। ठीक है, हम थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको टोटली उसकी जो डिटेल है ओनर की, वो गाड़ी के ओनर की, वो मिलने वाली है, चाहे वो बाइक का ओनर हो, चाहे ट्रक का ओनर हो, चाहे कोई भी। मैं यहाँ पर ऐड को कट कर दूंगा इसे। ठीक है, अब मेरे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा कुछ समझा देता हूँ इसकी सेटिंग। यहाँ पर इसका ऐड मैं यहाँ पर कट कर दूँगी पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला हमारा आ रहा है बाइक RTO इन्फो, मतलब आपकी जो बाइक की डिटेल निकालनी है बाइक के ओनर की, तो आप इस पर क्लिक कीजिए बाइक पर। अगर आपको कार के ओनर की डिटेल निकालनी है तो आप कार पर क्लिक करेंगे, बस की निकालनी है बस पर क्लिक करेंगे, बस और ट्रक पर, और ट्रैक्टर वगैरह है कुछ तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और आपको कुछ डिटेल चाहिए लाइसेंस वगैरह की तो आप यहाँ पर करेंगे कि डिटेल ले सकते हो। RTO इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, जो सिग्नल है ट्रैफिक के वो मिल जाएंगे, RTO क्वेश्चन मिल जाएंगे, RTO एग्ज़ाम मिल जाएंगे, स्टार्ट RTO एग्ज़ाम वगैरह सब आपको मिल जाएंगे यहाँ। और यहाँ आपको प्राइस मिल जाएगा डीजल और पेट्रोल की, मतलब अदर अदर सिटी का, आप यहाँ चेंज सिटी पर करेंगे क्लिक और अपनी यहाँ पर सिटी कर लेंगे चूज। ठीक है, यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको डांस एक्टर मतलब कि मैं समझा दूँ क्या है, हम एक्टर पर करूँगा क्लिक तो यहाँ पर बहुत सारे एक्टर के जो गाड़ी का नंबर वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिटिशियन मिल जाएगा, स्पोर्ट मिल जाएगा, एक्ट्रेस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ क्या है। अब मैं यहाँ पर जैसे कि बाइक RTO इन्फो पर मैं क्लिक कर दूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ गया। अब मैं यहाँ पर सिंपली जो गाड़ी का नंबर है यहाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का ओनर का नाम और बजाज कौन सी गाड़ी है, फिटनेस सब तो आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर 9 या 6 मंथ्स मतलब पेट्रोल वगैरह चलती है, कासिन की गाड़ी सब कुछ यहाँ पर आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके यहाँ पर ऊपर में दो ऑप्शन दिखा रहा हूँ, चेक प्राइस, चेक ई चालान। ठीक है,
तो आपको ई चालान चेक करना हो तो आप चेक ई चालान पर क्लिक करेंगे, और प्राइस चेक करना हो तो चेक प्राइस पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आप यहाँ से प्राइस चेक कर सकते हैं। मेरा इंटरनेट अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो मैं आपको कब आपका इंटरनेट मतलब ठीक चले तो आपका यहाँ पर ई चालान भी निकल के आ जाएगा अगर गाड़ी पे हुआ हो तो। तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।